नागौर जिले के मकराना तहसील के जुसरी गांव का लाल हरिराम भाकर को गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई और पैतृक गांव में उनके खेत में हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई हरेंद्र भाकर ने भाई को मुखाग्नि दी और साथ ही इस दौरान हजारों ग्रामीणों ने हरि भाकर अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि 23 मार्च को जम्मू के पूंछ में ग्रेनेडर्स तैनात थे और पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की गई, जिसमें ग्रेनेडियर हरि भाकर ने अपने अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया और देश के लिए शहीद हो गए। राजस्थान का हर जवान जो इतनी कम उम्र में इस देश के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है, मैंने सुना, मुझे बड़ा फख्र हुआ इस बात पर कि आज भी उनके पिता भी ये कह रहे हैं कि मैं भी फौज में जाकर लड़ने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान का इस देश का जज्बा है कि हमारा सैनिक जब निकलता है घर से आशीर्वाद लेकर अपनी माँ का, तो एक ही संकल्प लेकर जाता है कि मेरे तिरंगे की आन बान शान सुरक्षित रहनी चाहिए, मेरी भारत माँ हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए, मैं रहूँ नहीं रहूँ मेरा देश रहना चाहिए। जवान हरि राम का शहादत हुई है और पुंछ क्षेत्र में जो सीमा के ऊपर उन्होंने अपनी शहादत दी है और ये एक्चुअल में देखें तो पाकिस्तान की बहुत नापाक हरकत है। इस प्रकार से बॉर्डर पे जो काम करते हैं, जब तक कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है या किसी प्रकार का नौ नहीं होता, कभी भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं करती। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।